कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैंने आज बहुत सारा सोया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। और आज है न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। वैसे तो मैंने लाइव में लाइव आई थी आज, आज कोई वीडियो नहीं गया है क्योंकि सोचा चलो ठीक है, सब लोग एंजॉय करेंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वीडियो देखे। तो आज लाइव आई थी, तो फिर मैं लोग आए थे उनको भी हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। फिर भी आप लोगों को सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज भी कोई मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही है, कुछ क्लीनिंग का थोड़ा सा करा था, तो बस वही है। सोचा वही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो हैप्पी न्यू ईयर, और आंखें आप लोगों को लग रही होंगी जैसे मैं सोती रही हूँ, है ना। बहुत सारा सोया मैंने आज, काफ़ी सोया, मतलब 3-4 घंटे तक सोती रही मैं। 3:15 बजे उठी हूँ और सो गई थी, लाइव के तुरंत बाद ही सो गई थी मैं। काफ़ी दिनों बाद सोई हूँ। पहले सोच रहे थे कहीं बाहर चले जाए, बट इस टाइम पे मतलब ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना ठीक नहीं था, तो फिर हम लोग कहीं नहीं गए। वैसे भी हम लोग उसके न्यू ईयर के पहले काफ़ी घूम चुके हैं, पांडा फॉल, खजुराहो, कहीं कहीं। तो फिर सोचा चलो जाने देते हैं, नहीं चलते हैं कहीं पे नहीं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने न्यू ईयर किस तरीके से सेलिब्रेट किया, कहाँ गए घूमने के लिए, घर पे ही सेलिब्रेट किया या नहीं। तो बस घर पे ही खाना बना लिया था, उसका भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ऐसे ही मन ही नहीं था मेरा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो क्या क्या आप लोगों ने करा है आज न्यू ईयर पे? मैंने कुछ खास नहीं किया, बस घर में सब्जी, पूरी, खीर, और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ठड़ूला बनते हैं तो वो बनाए थे, और बस कैथा की चटनी हो गया हम लोगों का। और ज़्यादा सिंपल सा ही सब कुछ करा है। मॉर्निंग में जो है सभी का नाश्ता हो गया था, उसके बाद खाना वगैरह हुआ, तो कुछ ज़्यादा नहीं किया है। आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर अभी जो है थोड़ा सा वो कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और एक बात और कि वीडियो पूरा देखा कीजिए, आप लोग स्किप करके देखते हैं, बट कोई नहीं, जिसको जितना मर्जी हो उतना देख ले, देखा कीजिए, लेकिन पूरा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए थे, तो आज नेवला थे जो उन्होंने सारे खा लिए, धनिया पत्ता के पेड़ लगाए हुए थे तो सारे खा लिए उन्होंने, नेवला ने। हम लोग जब दोपहर में सो गए थोड़ा, और यहाँ पे सामने से इनका पैंट सूखा नहीं है, लोअर, तो वो डाल दिया है सूखने के लिए। कुछ सामान रख रही थी यहाँ पर, तो बहुत सारे बाहर भी पड़े हुए हैं काफी सारे कपड़े पड़े हुए हैं बाहर। और चलिए देखा दिखाती हूँ, बना रही है ठड़ूला। मैं बैगन जो है भुन के रख के आई हूँ, भुनने के लिए रख के आई हूँ, भुन जाएंगे। यहाँ पर देखिए रेखा बना रही है पूरियाँ ठड़ूला, और मैंने बैगन जो है रख दिए है भुनने के लिए। इसके बाद जो है मैंने बैगन भुन गए थे तो कढ़ाई रख दी है, और लहसुन डाल दिया है, 4-5 कलियाँ जो है लहसुन की डाल दी हैं। तो इसी में पूरियाँ बनी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, और हरी मिर्चा डाल दूँगी। तो हरी मिर्चा मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, एक डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी है। तो और बस इसके बाद डाल दिया है जीरा, जीरा चटक जाने के बाद डाल दूंगी मैं टमाटर, प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे टमाटर डाल दिए है, और यहाँ पे अदरक, लहसुन, पत्ती का जो है नमक रखा हुआ था, हरी मिर्ची का, इसलिए थोड़ा सा मिर्ची मैंने पहले भी कम डाली है क्योंकि इसमें भी मिर्ची है, तो इसको भी डाल दिया है। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और बस थोड़े से सूखे मसाले और ऐड कर दिए, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची, ज़रा सी मिर्ची डाली है क्योंकि 2-3 बार मिर्ची हो गई है तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और बस इसको मैं चला लूँगी, टमाटर जब गल जाएंगे तो उसके बाद जो है बैगन ऐड कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल सा ही बनाया है, ऐसा नहीं है कि
आप लोगों से बनता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा पत्ती वाला नमक और डाला था क्योंकि मुझे कम लग रहा था इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है मैं बैंगन को जो है इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद ये देखिए मेरा बैंगन का भरता एकदम रेडी हो चुका है। यहाँ पे खीर रखी हुई है। तो बस इसके बाद जो है बर्तन वगैरह क्लीन किए थे शाम के जो हो जाते हैं ना चाय वगैरह के, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा आउटडोर आंगन में जो है आंगन में क्लीनिंग कर रही थी, तो यहाँ पे कर लूँगी मैं क्लीनिंग। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग जो है वीडियो को एंजॉय कीजिए। एक बात और बोली है कि यहाँ पे मैं किसी की भी कॉपी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले से ही डेली ब्लॉग्स डाल रही थी, तो क्लीनिंग के वीडियो मैंने बहुत सारे डाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही डाल रही हूँ मैं, तो क्लीनिंग के वीडियो डालती रहती हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा